नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो प्राइवेट जॉब में आप कौन सा एक काम अगर आप करेंगे तो आपकी जॉब कभी भी नहीं जाएगी। और ये बहुत प्रैक्टिकल वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो कई बार हम इस स्ट्रेस में होते हैं कि जॉब चली जाएगी, जॉब को सिक्योर करना जरूरी है, ऑफिस पॉलिटिक्स में इंगेज हो जाते हैं, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एम्प्लॉय को टर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद से, या पैसे होल्ड पे चले जाते हैं, या कोई नोटिस आ जाता है। तो इन सभी सिचुएशन के अंदर आप प्रैक्टिकली एक चीज अगर आप ध्यान देंगे और वो अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जॉब सेफ रहेगी, नहीं जाएगी। देखिए, आम तौर से जब भी हम कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के वक्त हमारे दिमाग में ये जरूर होता है कि मेरी फिक्स सैलरी कितनी होगी या मेरी सैलरी कितनी होगी, मुझे कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, कितने दिन काम करने पड़ेंगे, छुट्टियों को लेकर के, हॉलीडेज को लेकर के क्या पॉलिसीज है, सब कुछ हम जानना चाहते हैं। और उसके आधार पे ही हम डिसाइड करते हैं कि जॉब मेरी कैसी है और इस जॉब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी देखते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है, उसका ऑफिस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टाइम पे सैलरी पे करती है या नहीं करती है। इन सभी चीज़ों को सोच समझ करके फिर हम जॉब ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जॉब ज्वाइन कर लेने के बाद से किसी जॉब से हमें क्या केवल सैलरी ही मिलता है या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और एम्प्लॉयर कैसे एम्प्लॉई को अपने साथ में लंबे टाइम तक रखते हैं और लंबे टाइम तक उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर को चाहिए होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको चाहिए होता है कि उनको एक ऐसा एम्प्लॉई मिले जो जिसमें काम के लिए डेडिकेशन हो, जिसके अंदर ऑनेस्टी हो, जॉब के लिए लॉयलिटी हो, काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हों। और आज के समय में लॉयल, ऑनेस्ट या प्रोफेशनल जो जॉब को बहुत सिंसियरिटी के साथ लेते हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिल पाते हैं। तो मैंने कभी सुना था और कई मोटिवेशन देने वाले स्पीकर को भी सुना है और प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी इसको जिया है और एहसास किया है कि यदि आप जॉब करने जाते हैं और अगर आपकी नौकरी, मान लीजिए कि आपको सैलरी के तौर पर 100 रुपये केवल मिल रहे हैं, लेकिन आप काम ऐसा कर रहे हैं कि यह काम जो आप 100 रुपये में कर रहे हैं वो 100 रुपये का नहीं, आप 150 या 200 रुपये का काम कर रहे हैं, जिससे कि एम्प्लॉयर को भी ये लग रहा है कि आपने जो डिलीवर किया है आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं अगर आप इस इंटेंट के साथ काम करते हैं, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको लूज करना नहीं चाहेगा। तो डेफिनेटली, चाहे आपका अपना काम होता या आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप इस इंटेंट के साथ में, इस डिसिप्लिन के साथ में आप अपने काम को करेंगे तो ऐसे काम करने वाले एम्प्लॉय को कभी भी कोई एम्प्लॉयर लूज करना नहीं चाहता। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आप डेडिकेशन के साथ काम तो करते हैं लेकिन जो आपका काम है वो बॉस तक पहुंचता ही नहीं है, पॉलिटिक्स हो जाती है और आपका काम दिखता नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि जो बॉस होता है उसकी जो नज़र होती है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर होती है। आपको लगता होगा कि आपके बॉस की नज़र आपके ऊपर नहीं है और वो आपके काम को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन जो बॉस है, जो आपका सीनियर है, जो ओनर है, उसको पूरी तरह से मालूम है कि उनके ऑफिस में काम करने वाला कौन सा एम्प्लॉय कैसा है और कितना डिलीवर कर रहा है। अगर इसी चीज़ को हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव के साथ भी देखें, और दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि मान लीजिए कि आप 150 या 200 रुपये के लायक आप काम तो कर रहे हो लेकिन सैलरी आपकी 100 रुपये की ही है। लेकिन आप सोचो, अगर आप 150 या 200 रुपये के लायक काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 100 रुपये है, तो आपके पास हमेशा यह ऑप्शन है कि आप उस जॉब को स्विच करें और किसी भी दूसरी जगह पर चले जाएँ जहाँ पे आप 200 के लायक काम को कर भी सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा करने लगते हैं, कई एम्प्लॉयज़ ऐसा करने लगते हैं कि जब उनकी सैलरी 100 रुपये की होती है तो वो 50 रुपीज़ या 75 रुपीज़ के बराबर काम करते हैं, और जब दूसरे जॉब में इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि मेरी सैलरी 150 या 200 रुपये की होनी चाहिए, और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं और जब उनसे 150 या 200 के काम को मांगा जाता है या उनसे कहा जाता है कि आप डिलीवर करिए, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए
मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कॉरपोरेट पॉलिटिक्स हो या किसी भी तरह का, अगर आप किसी भी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी में पूरी लॉयलिटी वफादारी के साथ आप काम करेंगे और आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो डिलीवर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि उस कंपनी को ना केवल बेनिफिशियल है बल्कि आपकी लॉयलिटी और ऑनेस्टी भी आउटस्टैंडिंग है, आप कमिटेड है कंपनी के लिए, तो निश्चित रूप से कंपनी भी रिकॉग्नाइज करेगी और एक दिन आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अब कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई मैं कितनी भी लॉयलिटी कितनी भी ऑनेस्टी दिखा दूं, मेरी सैलरी नहीं बढ़नी है क्योंकि ये जॉब है और जॉब में तो ज़्यादा कुछ इनकम होता नहीं है, तो चलो हम अपना कोई बिजनेस ही स्टार्ट कर लेते हैं। इस माइंडसेट से भी वो जाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो आप सोचिए, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, क्या जॉब से फेड अप होकर के आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या किसी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आपने जॉब से फेड अप होकर के बिजनेस स्टार्ट किया है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके बिजनेस को सफलता मिले, लेकिन अगर आपने बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपके पास कोई यूनिक आइडिया था, आपके पास कोई विजन था जिसको आप साकार करना चाहते थे, जो आपका एक सपना था जिसको आप पूरा करना चाहते थे, अगर आप अपने यूनिक आइडिया और सपने के साथ अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। लेकिन आप जानते होंगे कि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए केवल सपने होना, केवल यूनिक आइडिया होना पर्याप्त नहीं है, आपके अंदर वो डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए जिससे कि टाइमली आप चीज़ों को ना केवल एग्जीक्यूट कर सकें बल्कि उसको डिसिप्लिन्ड वे में रन भी कर सकें, प्रोसीजर को फॉलो भी कर सकें, तभी जा कर के संभव है कि आपको सफलता मिल सके। तो आप चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप देखिए अपनी क्षमता को और अपनी क्षमता को भी बढ़ाते जाइए, यही एकमात्र उपाय है जिससे कि आप जॉब में टिके भी रह सकते हैं या आप अपना बिजनेस करें तो उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे सीधे सीधे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर, या कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।